ओम शांति। एही समय रे जदि आमे सुरक्षित रहिबा पई चाहुचे ताहेले भगवान को मने पकेबा एवं अन्य कोनोसी थिरे बुद्धि जोग लगेबा नाही। कारण जदि कोनोसी व्यक्ति वस्तु वैभव रे बुद्धि जोग जाए ताहेले परमात्मा को ठारे बुद्धि जोग जाई पारिबो नाही। जदि परमात्मा को ठारे बुद्धि जोग लगाई पारिबा नाही ताहेले आमर विकर्म विनाश होई पारिबा नाही। सेथिपई भगवान कहउछन्ति हे संतान माने मु जो पाठ पढ़ौछि एही पाठ पढ़ एही पाठ पढ़ारे कोनोसी कागज पेन दरकार नै, केवल बाबांकु ही मने पकेबार उचित एवं जहाँ किछि मिलुछि सबुथरे संतुष्ट रहिबा। आउ गोटे मने रखिबा उचित जे आकर्षण कोउथरे भी मध्य न हेउ, खाइबा प्रति पिंधिबा प्रति कोनोसी थरे भी मध्य आकर्षण हबा कथा नुहे एवं निजकु आत्मा बोली भावी मने करिबा परमात्मा को। ए आत्मभिमानी रो पाठ पक्का करिबा पई बाबा कहउछन्ती एटा होची प्रथम पाठ। आसंतु आज आम परमात्मा बाणी शुणिबा 3 मे 2021 साकार महावाक्य। आज बाबा ए स्कूल विषय बहुत सुंदर भाव कहउछन्ती मिठे बच्चे आत्मभिमानी हुओ, चालिबा बुलिबा उठिबा बसिबा समय रे एही अभ्यास करी चाल, तेबे तुमर बहुत उन्नति हेबाकु लागिब। आजिर प्रश्न हैला बाबांकर स्मृति केउ संतान मानंक बुद्धि रे ठीक भावरे रहिब। बाबांक उत्तर हैला जेउ संतान माने बाबांकु सठिक रूपे जानिछंती, केतेक संतान कहुछंती बिंदुकु बा किपरि मने पकाइबु, भक्ति मार्गरे त अखंड ज्योति मने करी स्मरण करी आसिछंती, सेथिपाई एबे बिंदु कही द्वंद्वरे पड़ी जाउछंती। सेथिपाई प्रथमे एही निश्चय हेबा दरकार जे बाबा अखंड ज्योति नुहंती, सीए तो अति सूक्ष्म बिंदु अटंती, तेबे जाई सठिक रूपे मने पकाई पारिबे। ओम शांति। सबु संतान माने बाबांक स्मृति रे बसिछंती मनमना भव। एही संस्कृत अक्षर वास्तव नुहे, बाबा सहज राजयोग सिखेबा समय रे एही संस्कृत अक्षर कहि नथिले। एही ब्रह्मा तो संस्कृत भाषा जानि नहंते, बाबा हिंदी भाषा रे ही बुझौछंती। जदियो एही रथ हिंदी सिंधी तथा इंग्राजी भाषा जानिछंती किंतु बाबा हिंदी रे ही बुझौछंती। प्रत्येक धर्मर निजस्व भाषा रहिछि, एठारे हिंदी भाषा ही व्यवहार हेउछि। एही भाषा बुझिबा पई सहज एवं एही स्कूल मध्य आश्चर्यजनक अटे। एथिरे कोनोसी कागज पेंसिल बही आदि रो आवश्यकता नाही, एठारे तो केवल गोटिए अक्षर को मने रखिबाकु हेबो, अर्थात बाबांकु मने पकेबाकु हेबो। ईश्वर अथवा परमपिता परमात्मा को केही मने न पकौथिबे एहा तो असंभव कथा, तांकु समस्ते मने पकांती किंतु तांकर परिचय काहाकु जणा नाही। बाबा ही आसी निजर परिचय देउछंती, शास्त्र रे कल्पर आयुष एते लंबा लेखि देउछंती, ए कथा बाबा आसी बुझौछंती। एहा बहुत बड़ कथा मध्य नुहे, अहल्या बुढ़ी बुढ़ी माता माने कौन बुझिबे, एहा तो बहुत सहज, छोटो पिला मध्य बुझी पारिबे। बाबा अक्षर किछि नुआ नुहे, शिवंक मंदिर को गले बुद्धि रे आसी थाए जे ये सही निराकार शिव बाबा अटंती। सब मनुष्य मात्र के तांकु पिता कही थांती, आम समस्त आत्मांकर पिता जणे अटंती। सबु जीव आत्मा माने जे कि शरीर धारण करुछंती से निश्चय बाबांकु मने पकौछंती। सबु धर्मावलंबी जे भी अछंती समस्ते निश्चय परमपिता परमात्मा को मने पकौछंती, से हेउछंती परमधाम निवासी पिता। आमे मध्य सेठाकार निवासी, तेणु एबे केवल बाबांकु मने पकेबाकु हेबो। चाहुछंती मध्य आमे पावन हेउ,
डाकुछंती मध्य हे पतितंकु पावन करिला बाला आस नुआ दुनिया पावन थिला एबे पुणी पुरुणा होईचि एहाकु केहि नुआ कहिबे नाही। भारतवासी जानिछंती नुआ भारतरे देवी देवता माने राज्य करूथिले जेबे नुआ भारत थिला तेबे ता पूर्वरु कौन थिला संगम एहा ठारु मध्य सहजरे कहिबा उचित जे नुआ पूर्वरु पुरुणा थिला। संगम समय को मनुष्य एते सहजरे बुझी पारु नाहंती नुआ दुनिया एवं पुरुणा दुनिया एहार मध्य को संगम कुहा जाउछि। बाबांक निमन्ते ही कहुछंती हे पतित पावन आस आसी आमको पावन कराओ आमे पतित होई जाइछु नुआ दुनिया रे केही डाकिबे नाही। एबे तुम बुद्धि रे आसी गलाणी जे भारत पावन थिला हे पतित पावन आस एहा तो बहुत समय रु डाकी आसीछ से माने ए कथा जानी नाहंती जे पतित दुनिया केबे पूरा हेब। कहुछंती शास्त्र रे एही परि लेखा जाइछि जे कलिजुग एबे आहुरी 40,000 वर्ष चलिब बिल्कुल ही घोर अंधकार रे अछंती एबे तुमे आलोक रे अछ बाबा तुमको एबे आलोक को आनिछंती 5,000 वर्ष रे एही सृष्टिर चक्र पूरा हेउछि कालीर कथा अटे तुमे माने ही राज्य करूथिला। वास्तव रे एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य स्वर्ग थिला पावन दुनिया रे कोनोसी उपद्रव आदि हेबो नाही रावण राज्य रे ही उपद्रव हेउछि। एठारे तुमको बाबा बुझौछंती तुमे कान द्वारा सम्मुखरे शुणुछ किए शुणुछि आत्मा आत्मा बहुत खुशी हेउछि जे आमको पुनर्बार बाबा मिलिछंती बाबांक ठारु संपत्ति मिलिथिला एबे बाबा कहुछंती मते मने पकाओ एथिरे कोनोसी लेखा पढ़ार कथा नाही केही आसिले पचरा जाए आपण काही के आसिछंती तेबे कहंती एठाकार महात्मांक सहित मिसिबा पाई काही के आपणंकर कौन दरकार कहंतु कौन भिक्षा दरकार। सन्यासी होइथिले तांकु भोजन दिया जाइथाय सन्यासी कहा पाखकु गले अथवा रास्तारे मिलिले धार्मिक मनुष्य भावंती ये पवित्र मनुष्य अटंती एहांकु भोजन खुआइबा भल एबे तो पवित्रता मध्य नाही बिल्कुल ही तुम प्रधान दुनिया समस्ते विकारी होई जाइछंती मनुष्य केते हैरान हेउछंती एठारे तो हैरान हेबार कोनोसी कथा नाही। बाबा कहुछंती ए सबु लेखिबा कोनोसी आवश्यक नाही पॉइंट्स आदि मध्य लेखुछंती धारणा करिबा पाई जेपरी डाक्तरंक पाखरे मध्य केते औषध रही थाए तेबे सबु औषधर नाम मने रखिथांती सेहीपरी बारिस्टरंक बुद्धि रे केते आईन मध्य रही थाए तुमको मध्य गोटिए कथा मने रखिबाकु हेबो एहा मध्य बहुत सहज तुमे कहुछ एकमात्र शिव बाबांकु मने पकाओ सेमाने कहुछंती शिव बाबा किपरि आसिबे ए कथा मध्य तुम व्यतीत आउ केही भी जानी नाहंती ईश्वर केउठी अछंती सेमाने तो कहिबे से नाम रूपरु अलगा अथवा कहिबे सर्वव्यापी अटंती उभय अक्षर रे राती दिनर फरक होइ जाउछि नाम रूपरु अलगा तो कोनोसी जिनिस नाही पुणी कहि देउछंती कुकुर बिलेई समस्तंक भितरे परमात्मा अछंती उभय कथा विपरीत बोधक हो जाउछि तेणु बाबा निजर परिचय दे कहुछंती मते मने पकाओ गायन मध्य रहिछि सहज राजयोग बाबा कहुछंती जोग अक्षर काटि दिय केवल मने पकाओ छोट पिला जेपरि माता पितांकु देखिबा मात्र के तुरंत स्नेहरे धरि पकाई थाए प्रथमे कौन से चिंता करिथाए कि ये मोर माता पिता अटंती ना एथिरे चिंता करिबार कथा ही नाही तुमको मध्य केवल शिव बाबांकु मने पकाइबाकु हेब। भक्ति मार्गरे मध्य तुमे शिवंक उपरे फूल चढ़ाई आसीछ सोमनाथ मंदिर को केते शोभनीय करा जाइथिला जहाकु परे मोहम्मद गजनबी आसी लुटीथिला भारतरे सोमनाथ मंदिर नामी ग्रामी अटे सर्वप्रथमे तो शिवंकर पूजा हेबा दरकार
वर्तमान पिलामानंक बुद्धिरे एही ज्ञान आसीछि जदियो पूजा करि आसुथिल किंतु तुमे जानि नथिल जे एहा हेउछि जड़ चित्र निश्चय सीए चैतन्य रे आसीथिबे तेबे त वर्षकु वर्ष शिव जयंती पालन करुछन्ति एक कथा मध्य कहुछन्ति जे शिव परमात्मा निराकार अटंती आत्मा जानिछि मु मध्य निराकार एबे तुमे आत्मअभिमानी हेउछ एहा बहुत सहज से तो आमर बाबा अटंती सीए ज्ञानर सागर सुखर सागर पतित पावन अटंती तांकर बहुत महिमा रहिछि ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर एते महिमा नाही जणंकर ही महिमा गाउछंती एबे तुमे माने जानुछ बाबा आसी आमको संपत्ति देउछंती जेपरी लौकिक पिता पिलार लालन पालन करिथांती किंतु पाठ पढ़ाई न थांती पढ़िबा पई स्कूल को जाई थांती पुणी बानप्रस्थरे गुरु करिथांती आजिकाली तो छोट बड़ समस्तंकु गुरु कराई देउछंती एठारे तो तुमको कहुछी शिव बाबा को मने पकाओ तांको उपरे समस्तंकर अधिकार रहिछि समस्ते मोर संतान तुम मानक भितरे मध्य अनेक अछंती जे कि भल भावरे मने पकाउछंती केतेक कहुछंती बाबा कहा को मने पकाइबू बिंदु को किपरि मने पकाइबू बड़ जिनिष को मने पका जाय थाए अच्छा परमात्मा जहाकु तुमे मने पकाउछ से केउ प्रकार जिनिष तेबे कहि देउछंती से अखंड ज्योति स्वरूप अटंती किंतु एपरि नुहंती अखंड ज्योति को मने पकाइबा भूल तांकु सठिक भावे मने पकाइबा दरकार किंतु प्रथमे तांकु सठिक भावे जानिबा दरकार बाबा ही आसी पिला मानंकु निजर परिचय देउछंती एवं सारा सृष्टि रो आदि मध्य अंतर समाचार मध्य शुणाउछंती विस्तार रे एवं संक्षेप रे मध्य शुणाउछंती वर्तमान बाबा कहुछंती पिला माने तुमे पवित्र हेबा पई एकमात्र उपाय रहिछि केवल मते मने पकाओ मते ही पतित पावन कहुछ आत्मा को पवित्र करबा को पड़िबो आत्मा ही कहुछि मु पतित होई जाइछि आमे पवित्र थिलु एबे पतित होई जाइछु वर्तमान समस्ते तुम प्रधान होई जाइछंती प्रत्येक जिनिस प्रथमे सत्व प्रधान थाए पुणी तुम प्रधान होई थाए आत्मा निजे कहुछि मु पतित होई जाइछि मते आसी पवित्र कर शांति धामरे आत्मा पतित हुए नाही एठारे पतित होइथिबारु दुखी होई जाइछि पावन थिबा समय रे आत्मा सुखी थिला तेणु आत्मा माने ही कहुछंती आमको पवित्र करैले आमे दुखर मुक्त होइजिबो तुमे जानिछ आत्मा ही सब किछि करुछि आत्मा ही जज बारिस्टर आदि हेउछि आत्मा ही कहुछि मु राजा मु अमुक वर्तमान एही शरीर छाड़ी आउ गोटिए शरीर नेबाकु हेब एहाकु आत्मअभिमानी कुहा जाउछि देह थाई मध्य आत्मअभिमानी हुओ रावण राज्य रे देह अभिमानी हेउछंती वर्तमान ही बाबा आत्मअभिमानी करउछंती वर्तमान आत्मा पतित दुखी होइ जाइछि तेणु बाबांकु डाकुछि ए कथा मध्य तुमे जानिछ जे ड्रामा प्लान अनुसारे पतित रु पावन पावन रु पतित होइ आसिछ चक्र घूरी चालिछि एबे तुम बुद्धि रे आसुछि आमे किपरि 84 जन्म नेउछु एबे एही कथा को भूली जाओ नाही स्वदर्शन चक्रधारी होई रुह उठिबा बसिबा चालिबा बुलिबा समय रे बुद्धि रे आमर सबु ज्ञान रहिछि तुमे जानिछ बेहद बाबांक ठारु आमे बेहदर वर्षा नेउछु बाबा पिला मानंकु बुझौछंती जे तुमको एकमात्र बाबांकु ही मने पकाइबाकु हेब तांकु मने पकाइ पकाइ भोजन कर बस मीठा मीठा शिकिलधा संतान मानंकु बाबा घड़ी घड़ी कहुछंती पिला माने पेट पई केवल खंडे रुटी खाइबाकु हेब पेट किछि अधिक खाए नाही पाए अटार रुटी खाई थाए डाली रुटी बस 10 टंकारे मध्य मनीषर पेट भरुछि तो 10,000 टंकारे मध्य पेट भरुछि
गरीब लोके कौन बा खाउछंती तथापि मध्य सुस्थ सबल रहुछंती। भिन्न भिन्न प्रकार खाद्य खाई मनुष्य आहुरी रोगी हो जाउछंती। डाक्तर माने मध्य कहुछंती गोटिए प्रकार खाद्य खाओ तेबे बीमार हेब नाही। तेणु बाबा मध्य बुझाउछंती खंडे रुटी खाओ जहाँ किछि मिलुछि सेथिरे खुशीरे रुह, डाली रुटी परी आउ किछि जिनिष नाही। अधिक लोभ मध्य करिबा अनुचित। सन्यासी माने कौन करी थांती घर द्वार छाड़ी जंगल को चली जानती। तत्व को परमात्मा भावी स्मरण करती भावती ब्रह्म रे लीन होइजिबु किंतु एहिपरी होई पारिबो नाही। आत्मा तो अमर अटे लीन हेबार कौनसी कथा नाही। बाकी आत्मा ही पवित्र अपवित्र हेउछि तुमको केते भल ज्ञान मिलिछि तुम्हें ही प्रारब्ध भोगुछ पुणी एही ज्ञान को भूली जाउछ पुणी सीढ़ी रे तळकु ओल्हौछ एबे तुम बुद्धि रे समस्त ज्ञान रहिछि। आमे 84 जन्म किपरि भोग करुछु एही अभिनय केबे भी कहार बंद हुए नाही। एहा पूर्व प्रस्तुत ड्रामा जहा कि घूरी चालिछि। ए कथा कहि पारिबा नाही जे भगवान केबे किपरि केउठि बसी रचना करुछंती ना एहा तो चली आसुचि विश्वर इतिहास भूगोल पुनरावृत्ति होई चालिछि। एही कथा को केही बुझु ही नाहंती। तुमे जानिछ आमे ड्रामार प्लान अनुसारे आसीछु एबे पुनर्भार ड्रामा अनुसारे राज्य नेउछु। एही कथा आउ केही बुझि पारिबे नाही। पचरा जाउछि ड्रामा सर्वशक्तिमान ना ईश्वर तेबे कहुछंती ईश्वर सर्वशक्तिमान अटंती भावुछंती से सब किछि करि पारिबे। बाबा कहुछंती मु मध्य ड्रामार बंधन रे बंधा होईछि पतितंकु पावन करिबा पई मते आसीबाकु ही पडुछि। तुमे सत्य जुगरे सुखी होई जाउछ मु मध्य चाई परमधाम रे विश्राम नेउछि। तुमे मो कांदरे बसुछ तुमर सिंह उपरे बसिथिबार चित्र अछि। तुमे जानिछ प्रति सेकंड सेकंड जहाँ चालुछि सबु ड्रामारे निर्धार्य होइछि। वर्तमान तुमको केते भल ज्ञान मिलुछि तेणु केवल बाबा एवं संपत्ति को मने पकाओ बस। कागज पेंसिल आदि किछि आवश्यकता नाही। ब्रह्मा बाबा मध्य पाठ पढ़ुछंती सीए तो किछि हेले रखु नाहंती। केवल बाबा को मने पकेबाकु हेब तेबे संपत्ति को मिलिबो एवं सदा सुस्थ रहिबो। एहा केते सहज एवं धारणाजुक्त कथा। लेखिबा द्वारा कौन लाभ हेबो ए सबु तो विनाश होइजिबो किंतु केही मने रखिबा पई लेखुछंती। जेपरी कौनसी कथा मने रखिबाकु हेले कानी रे गंठी पकाइ थांती। तुमे मध्य गंठी पकाइ दियो जे शिव बाबा ओ संपत्ति को मने पकाइबाकु हेबो। जोग अर्थात याद एहा तो बहुत सहज। कहुछंती बाबा जोग लागु नाही जोगरे किपरि बसिबु आरे जेपरि लौकिकर स्मृति उठिबा बसिबा चालिबा बुलिबा समय रे रहुछि सेहिपरि मते मध्य मने पकाओ बस तुमर नौका पार होइजिबो। अच्छा मीठा मीठा सिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर मध्य आत्मिक पितांकु स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पिला मानंकर आत्मिक पितांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पई मुख्य सार एक नंबर पॉइंट स्वदर्शन चक्रधारी हुई 84 जन्मर चक्र को बुद्धि रे घुरेबाकु हेबो। बेहदर बाबांकु मने पकई बेहदर संपत्ति नेबाकु हेबो एवं पवित्र मध्य हेबाकु पड़िबो। दुई नंबर पॉइंट हैला कोनोसी जिनिष प्रति लोभ करिवार नाही। जहाँ किछि मिलुछि सेथिरे खुशी रहिवार अछि। खूब साधारण भोजन करि बाबांक स्मृति रे रहिवार अछि। आजिर वरदान हैला बुद्धि रूपक पादकु मर्यादार सीमा भितरे रखुथिबा सर्वप्राप्ति संपन्न शक्तिशाली आत्मा हो। वरदान विस्तार हैला जेऊ पिला माने निजर बुद्धि रूपी पाद को टिके भी मर्यादार सीमा ठारु बाहर को बाहर करंती नाही
से माने बहुत भाग्यवान एवं गेल्हा संतान हो जाती से मानंकु केबे भी कोनोसी विघ्न अथवा तोफान बा दुख बा नैराश्य आसी पारिबो नाही। जदि आसुची तेबे बुझिनेबा दरकार जे निश्चित भावरे बुद्धि रूपक पाद मर्यादार रेखा बाहर को जाइछि तेबे सीमा बाहर को जीवा अर्थ भिखारी हो जीवा सेथि पई केबे भी भिखारी अर्थात मागिबा वाला हो नाही किंतु सर्वप्राप्ति संपन्न शक्तिशाली आत्मा हो। आजिर स्लोगान हला जेउ माने सर्वदा बाबांकर प्रिय होई अन्य सबुथिरे दूरे रही थांती सेही माने ही सुरक्षित रही थांती। अच्छा ओम शांति।